सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, रेलवे के रिगार्डिंग या फिर एएलपी के रिगार्डिंग, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी या फिर एएलपी। और इसकी इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, खाना परोस कर दूंगा। इसका कहने का मतलब यह है कि अब एग्जाम में आप सभी को भी पता है या ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता चल चुका है कि जो एग्जाम का डेट है, मानो या ना मानो अगस्त के लास्ट या मानकर चलिए 12 अगस्त से भी हो सकता है जो डेट आपके पास निकल कर आ गया। मोर और लेस आप एक वर्ड में, एक शब्द में यह बोल सकते हैं कि एक महीने के बाद आपका रेलवे का एग्जाम है। तो बताने का मेन टारगेट यह है इस वीडियो का कि आपको अब रिवीजन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, मैं सजा कर आपको इस वीडियो में दूंगा कि एक महीना में एग्जाम से पहले आपको करना क्या क्या है हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग, और मैं आपको क्या दूंगा एग्जाम से पहले ताकि आप एक काबिल स्टूडेंट्स बन पाए जो एग्जाम देने जाने वाले हैं। ये नहीं कि आप मैथ वहां रीजनिंग ये वो माइंड में काम नहीं कर रहा, करना क्या है मैं आपको, मान लो कहने का मतलब है अगर ये रेलवे है और ये रास्ता है और आप यहां पर खड़े हैं तो आपको जाना कैसे है सीधे स्ट्रेट, आपको मैं वो बताऊंगा। ये नहीं कि मैथ है, रीजनिंग है, खिचड़ी बना हुआ है, यहां तक पहुंचने में ही कहीं देरी ना हो जाए। तो इस वीडियो को कम से कम आज के दिन पूरा देखकर ही जाइएगा, हो सके आपको अच्छा ना लगे, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कि बहुत कुछ सीख कर जाए आज के वीडियो में। और हां, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सक्सेस की 98 पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने वीडियो भी अपलोड किया जाए आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिएगा, राइट। मान लीजिए जो एग्जाम है 4 सेक्शन में आपके पास डिवाइड है, ठीक है, एक तो हमारा मैथ, दूसरा जो पार्ट है वो आपका रीजनिंग, तीसरा जो पार्ट है वो जनरल साइंस, जो चौथा पार्ट है वो आपका करंट अफेयर है, और जो नंबर कवर करेगा 100 नंबर, 75 नंबर, 100 नंबर के आधार पर मैं बांट रहा हूं, आप एएलपी वाले भी बांट लीजिएगा। मानकर चलिए 25, ये 25, ये 50, और मानकर चलिए 30 यहां से, 20 यहां से आपके एग्जाम में उम्मीद किया जा रहा है क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है भैया, इतना तो पता चल गया। अब करे कैसे, करे कैसे वो देखिए आप लोग, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए आपको मैं एक एक पार्ट को, एक एक टॉपिक को पूरे अच्छे से डिस्क्राइब, तोड़ तोड़ कर दिखलाऊंगा कि करना कैसे है। पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है एग्जाम से एक महीना पहले, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपको स्कोर करना कितना है, कितना का आपको रेडी होकर जाना है एग्जाम में, तो उस दिन भी बताए थे आज भी बता रहे हैं, आपको जो डाटा रेडी कर चलना है वो 85 प्लस का है, इतना तो रेडी करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, कंपटीशन ज्यादा है आपके पास, और ये बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है। मैं आपको 100 में 100 भी बोल सकता था लेकिन 85 मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए अब आपको जितने भी टॉपिक है, मान लो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर मौजूद है, एक एक टॉपिक का सॉल्यूशन, एक एक टॉपिक का वीडियो, ठीक है। लेकिन आप उससे पहले ये चीज देखिए, उसके बाद मैं आपके साथ फिर जुड़ता हूं, ठीक है। जैसे ही आप YouTube में सर्च मारेंगे या खोजिएगा, सर्च बॉक्स में जाकर सक्सेस की 98 आपके पास चैनल खुल जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नीचे सक्सेस की 98 के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, और जितने भी टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है या फिर मैं बताऊंगा अभी आपको कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर चैनल पर दिया गया है। और देखिए जैसे ही आप नीचे जाएंगे, देखिए रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन 2018 इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो मैथ से 51 वीडियो दिए गए हैं टॉपिक के ऊपर, जी के करेंट अफेयर से 50 और फिजिक्स से आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं,
50 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 50 वीडियो, तो हर एक वीडियो देखिएगा और अपने क्वेश्चन का डाउट क्लियर करिएगा कि सारे क्वेश्चन इसके अंदर से ही रहने वाले हैं। रीजनिंग से 13 वीडियो मैंने करवाए हैं समझाने के लिए क्या क्या टॉपिक आएगा, और हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मैंने बनाकर आपको दिया है। और देखिए जीके का 7 वीडियो है, और जिन जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान के बायोलॉजी के 49 वीडियो हैं। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करवाया है इसके अंदर। अब ये वीडियो देखकर आप अपने टॉपिक क्लियर करिएगा जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक महीना तक आपको रिविजन क्लास करवाया जाएगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी ALP एग्जाम प्रिपरेशन 2018 अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो मैथ का क्लास मैं आपको क्या कराऊंगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो मैथ का क्लास का जो टाइमिंग है वो 7 बजे है, ठीक है। और जो क्लास है जनरल साइंस, यानी जनरल साइंस का मतलब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा डेली 5 बजे। अगर मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का, तो एक बार जो क्लास का टाइमिंग है आप एक बार सक्सेस की 98 को उतने बजे खोलकर आप इस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि 5 बजे जनरल साइंस का क्लास आया है कि नहीं आया है, 7 बजे मैथ का क्लास आया है कि नहीं आया है, और 10:30 बजे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पूरा जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स हर एक क्वेश्चन में वो जो क्वेश्चन है आपको 10:30 बजे लाइव कराया जाएगा। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर नहीं जाता है तो 10:30 बजे सक्सेस की 98 को खोलकर देख लीजिएगा, क्लास आपके सामने लाइव चल रहा होगा। तो खोलकर सारे क्वेश्चन को देखना, अटेंड करना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। और जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा एग्जाम से पहले डेली सोमवार से शनिवार तक, वो है टाइमिंग 9 बजे। कितने बजे? रात को 9 बजे। तो जो टाइमिंग मैंने आपको बताया है जनरल साइंस का 5 बजे, मैथ का 7 बजे और 9 बजे रीजनिंग का, और 10:30 बजे जीके का, जिसमें सामान्य ज्ञान सब कुछ लेकर आ रहे हैं अरविंद सर, ठीक है। और इसके पहले जितने भी टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं टॉपिक चैप्टर वाइज, वो आपको नीचे यहां पर मिल जाएगा। रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन में 51 वीडियो मैथ का, हर एक टॉपिक पर पानी के तरह काम किया गया है, बच्चों को समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, और जितने भी टॉपिक मैं आपको लिखवा रहा हूं आप कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, इस टॉपिक के अंदर से आपकी एग्जाम में आएगा। और साथ साथ आपको मैं ये भी बता रहा हूं कितने नंबर का डाटा आपको रेडी करना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। फाइनल टचअप देना है एग्जाम से पहले आप सभी को, और ठीक है आपने देख लिया होगा। अब देखिए जो मैथ में टॉपिक है ना, जो मैथ के टॉपिक है, पहले मैं मैथ को तोड़ता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग को तोड़ूंगा। तो पहले आप लिखिए मैथ, गणित, और ये सारे क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल है। अब इसको मैं 3 पार्ट में डालूंगा, पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक ये, ठीक है, एक एक चीज टाइम दे देंगे, आज टाइम दे देंगे तो कुछ जरूर आपको फायदा होगा। मान लीजिए मैथ में नंबर सिस्टम इंग्लिश में लिख रहा हूं, आपके पास हिंदी में भी सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, और सब मैं हिंदी में भी कराऊंगा। बॉडमास, ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। तीसरा जो है वो डेसिमल है, दशमलव बोलते हैं जिसको, डेसिमल। जो चौथा पार्ट है वो है आपका फ्रैक्शन, और जो पांचवा पार्ट है इसी में ले रहा हूं मैं एलसीएम, लसफो मसफो बोलते हैं जिसको हिंदी में, SCF, ठीक है। ये एक पार्ट आपके पास बट गया, सब कुछ बताएंगे करना कैसे है एक महीना एग्जाम से ठीक पहले, ठीक है। अब यहां पर आप लिखिए अनुपात वाला, रेशियो एंड अनुपात, समानुपात बोलते हैं ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा लीजिए प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज। और जो तीसरा लीजिए आप समय, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। बता रहा हूं A to Z बताऊंगा आज, सिंपल एंड कंपाउंड,
चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बोलते हैं, मैंने करवाया है ये चैप्टर भी, ठीक है, डी लिख लीजिएगा। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एक भी चैप्टर में नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, टंकी वाला आता है ना सवाल, नल वाला, चलो पाइप्स एंड सी यानी सिस्टम। अब एक चैप्टर में यहां पर और डाल रहा हूं एज कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए आगे मैं और क्या क्या आपको बांट रहा हूं इस मैथ वाले में, कैसे मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पर आप थोड़ा देखेंगे तो यहां पर जो मैं स्टार्टिंग टॉपिक लिखूंगा वो है अलजेब्रा, मैंने करवाया है। अब एक टॉपिक ये है ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिगो, स्क्वायर रूट, क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूब रूट, और एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए ये है आपका मैथ का सिलेबस जो रेलवे ने ऑफिशियली आपको दिया है। अब अगर यहां पर इस पार्ट को छोड़ दिया जाए और ये वाला मैं ब्लू पेन से टिक कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करते चलिएगा हर एक टॉपिक को, ठीक है। इस टॉपिक को मैं छोड़ता हूं, इस टॉपिक को छोड़ता हूं, इन दोनों को छोड़कर पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया है अपने चैनल सक्सेस की 98 पर। इसके पहले वाले वीडियो जो आप देखे, मैंने बताया कि आपको कहां मिल जाएगा, ये चीज तो मैंने बताया ना, मैथ का 51 वीडियो है, ये है वो, उसमें हर एक वीडियो आपको मिलेगा, हर एक वीडियो। अगर आपका गणित कमजोर है ना, फिर भी आपको पानी के तरह समझ में आएगा। तब आपको अब करना क्या है, पहले देखिए कि मानकर चलिए ये और ये, और एक चैप्टर और मैं ले रहा हूं, ये और ये, ये और अलजेब्रा, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी चैप्टर जो आपका कवर करेगा, जो सम आएंगे, सवाल आएंगे, मानकर चलिए 20 नंबर के सवाल तो यहीं से बनेंगे। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से आपके कितने सवाल बन सकते हैं, 5, ठीक है। डाटा कितना का रेडी करना है, 85 का। तो कॉपी में ना एक आप कॉपी निकालिए, ठीक है, उस कॉपी में मैथ ऊपर सक्सेस की 98 बोलकर मैथ के हर एक चैप्टर को लिख लीजिए और क्या करिए, डेली 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, मगर पानी की तरह समझाएं, रसगुल्ला की तरह, इतना आसान। हर चैप्टर को खोलिए जो वीडियो बताए हैं और चैप्टर को समझिए, समझ में आ जाएगा यार पानी की तरह, ठीक है। कंप्लीट हो गया, अब आपको कल से, कल यानी मंगलवार से शाम को 7 बजे, कितने बजे, शाम को 7 बजे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। क्या दूंगा, मान लो ये एक चैप्टर आपका कवर करेगा, करेगा ना जी, ये एक चैप्टर, और ये एक 3 भागों में मैंने बांटा है, 4 भाग ले लीजिए अलजेब्रा, तो अर्थमैटिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बोलकर आएगा। सारे चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, बताऊंगा करना कैसे, मिक्सअप रहेगा क्योंकि एग्जाम में तो अलग अलग से नहीं देगा ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का माइंड वही काम कर रहा है, पूरा मिलाकर आएगा, तो मिलाकर 1 नंबर पार्ट, 2 नंबर पार्ट, 3, 4, 5, 6 पार्ट कम से कम दूंगा यहां से, और मैं आपको कराऊंगा, आपको आंसर देना है और अपने आप को जांचना है, अपने आप को जज करना है कि आप कितना कर पा रहे हैं एग्जाम से 1 महीना ठीक पहले, ठीक है। तो ये कराऊंगा एक पार्ट में और ये पूरा कराऊंगा एक पार्ट में, तो कितना पार्ट में आपको रेडी करा रहा हूं, एक पार्ट में पूरा क्वेश्चन ये दूंगा, इसकी 4-5 वीडियो आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोलकर, अर्थमेटिक बोलकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक वीडियो आएंगे, अलजेब्रा के अलग वीडियो आएंगे, अलजेब्रा बोलकर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लिखकर, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री प्लस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4।
स्क्वायर क्यूब और एलिमेंट्री स्टैटिक का वीडियो दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 कर, ठीक है, मैंने करवाया है, फिर कराऊंगा रिवीजन आप सभी को। मान लीजिए आपको कितना का डाटा रेडी करना है, 20 नंबर का, अगर इतना कर लेते हैं तो 20 नंबर तो कहीं नहीं गया है आपका, सियोर, डैम सियोर 100% है, लेकिन मेहनत करना है इसके लिए, 7 बजे वाला क्लास डेली देखना है, थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भैया बोल रहे हैं तो हर एक चैप्टर का वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं जहां पर भैया ने बताया है, उसके बाद डेली शाम 7 बजे वाला क्लास मैथ भैया का अटेंड करते हैं और देखते हैं हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भैया वहां पर उस समय सॉल्यूशन बताएंगे, जवाब बताएंगे, करना कैसे है, तो आप वहां पर भी सीख सकते हैं, एग्जाम से पहले रिविजन हो रहा है मैथ का, जैसे ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पर आपको 20 नंबर सोचकर चलना है, अगर 5 नंबर इसका छोड़ भी दोगे ना, यहां पर मान लो 1 नंबर स्कोर किए, 20 नंबर आपको मैथ में लेकर चलना है, पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट भी आप सभी को करवाया है। अब अगर बात करें रीजनिंग को तोड़े, तो रीजनिंग को अगर तोड़ू मैं, आर ई ए ओ रीजनिंग, अगर इसको तोड़ा जाए तो इसका जो वीडियो आएगा वो डेली रात को 9 बजे नोटिफिकेशन नहीं जाता है, सब्सक्राइब करने कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं जाता है, मान लीजिए 9 बजे यूट्यूब में सक्सेस की 98 खोजिएगा, चैनल पर आइएगा और देखिएगा रीजनिंग का 9 बजे वाला क्लास आया है कि नहीं, आएगा ही आएगा। तो रीजनिंग में जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार है, जैसे मैं बोल रहा हूं, देखिए हर एक चैप्टर करवाया हूं 13 चैप्टर और 13 से 14 चैप्टर ही आपके एग्जाम में, और हर एक चैप्टर पे आइडिया दे चुका हूं करना कैसे, सवाल भी मैं आपको दिखा चुका हूं। मान लीजिए जो पहला है वो है एनालॉगी, ठीक है, दूसरा जो है वो अल्फाबेट नंबर सीरीज का है, ठीक है, अल्फाबेट नंबर सीरीज का, जो तीसरा पार्ट है वो कोडिंग और डिकोडिंग का है, हर एक चैप्टर करवाया गया है सक्सेस की 98 पर, एग्जाम से पहले आपका रिवीजन करवा रहा हूं ताकि एक बार आप भी देख लीजिए और अपने आप को भी जांच लीजिए कितने क्वेश्चन आप एग्जाम से ठीक पहले कर पा रहे हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो है सिलोगिज्म, क्या है, सिलोगिज्म, पानी के तरह करवाए हैं, पानी के तरह। अब जो छठा टॉपिक है वो है कंक्लूजन, निष्कर्ष और डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने का, डिसीजन, डीएम, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब जो अगला चैप्टर, पूरा सिलेबस मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, और करवाया भी हुआ है चैप्टर, रिवीजन करना बहुत जरूरी है आप सभी को। अब है आपका सिमिलरिटीज, ठीक है, और डिफरेंस, इसको मैं डी बोल रहा हूं, डिफरेंस। आठवां जो टॉपिक है वो एनालिटिकल है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग। जो नौवां टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन है, ये भी आपको करवाया गया है हमारे चैनल पर। दसवां जो है वो दिशा है, डायरेक्शन से, ठीक है। और जो 11 नंबर टॉपिक है वो है आपका स्टेटमेंट एंड एक्सेप्शन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या नहीं करवाया गया है, हर एक टॉपिक करवाया गया है, 2 टॉपिक नहीं करवाया गया है अभी तक, एक स्टेटमेंट वाला और ये के वाला, बैंक वाले बच्चों को बहुत बार करवाया हूं, हर बच्चों को समझ में आ गया है, जिनको समझ में नहीं भी आता उनको भी, तो ये आपको करवा दूंगा। आपका कर्तव्य क्या बनता है, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को बगल में लिख लीजिए, और जो मैंने वीडियो बताया थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, वहां पर 13 वीडियो अवेलेबल है रीजनिंग के, खोलकर हर एक टॉपिक के ऊपर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए पानी की तरह। 9 बजे कल से अवेलेबल हो जाइएगा हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर, यह देखने के लिए कि एग्जाम से ठीक पहले
हर एक चैप्टर का रिवीजन मैं आपको 9 बजे कराऊंगा, आपको सवाल दूंगा, आपको आंसर देना है और अपने आप को जांचना है कि एग्जाम से ठीक पहले मैं कितना कर पा रहा हूं कि नहीं, मैं काबिल बन पाया हूं कि नहीं। अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। तो रीजनिंग का आप देख लिए आपको क्या क्या मिल रहा है। एग्जाम से एक महीना पहले पानी की तरह अपने आप को पूरा रेडी करना है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं और रीजनिंग में टारगेट कितना लेकर चल रहे हैं। रीजनिंग में हर एक बच्चा पूरा का पूरा कर आता है, फिर भी मैं बोल रहा हूं अब 22 नंबर मानकर चलो, 25 में पॉसिबल है मेरे भाई, रीजनिंग बहुत इजी है। तो 20 नंबर अब मैथ में माने गणित में और 22 नंबर यहां, तो 42 नंबर का डाटा अभी तक आप लोगों ने रेडी कर लिया है। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है जनरल साइंस, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, यहां पर स्टार मार्क दीजिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसी में मार खाते हैं। आपको जीतू सर 50 वीडियो करवाए हैं बायो से और हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर पानी की तरह देखिएगा ना सारे क्वेश्चन को, बोलेंगे भैया मजा आ गया। 50 क्वेश्चन का मतलब ये होता है 20 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन यहां से। अरविंद सर जो आपको करवाए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर 60 से 62 वीडियो, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे ना, काम हो जाएगा। और इसका पीडीएफ देने का भी काम चल रहा है, आप जाकर www.successkey98.in पर जाकर देख सकते हैं। आपके पास पीडीएफ हम लोगों ने देने का काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर पढ़ भी सकते हैं। और एक बात, इसका क्लास कब चलेगा, ठीक है। देखिए जनरल साइंस का अब बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को मिलाकर जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो डेली शाम को 5 बजे आएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को ओपन कर 5 बजे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर भी सक्सेस की 98 को यूट्यूब में सर्च मारकर चैनल पर जाकर देखिएगा 5 बजे जनरल साइंस का वीडियो आया है कि नहीं। और आपको 20-20 क्वेश्चन डेली मिलेगा केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स से। क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले आंसर दीजिएगा और हम डेली आपको क्या देखना है कि आप 20 में कितना स्कोर कर रहे हैं। डेली डेली देखिए, डेली जब तक एग्जाम नहीं हो जाता डेली देखिए आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जितने क्वेश्चन का भी डाउट है, पहले के वीडियो भी देखिए, पीडीएफ भी देखिए, यहां पर भी देखिए। थोड़ा मेहनत है और बिना मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, सभी को पता ही है। तो बहुत फेमस डायलॉग है, बिना मेहनत का फल मिलता नहीं है। तो इतना जब आपको पता है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, वो भी इतने सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के बीच में अगर आपको चुना जाएगा तो आपके अंदर कुछ खास बात होना चाहिए और वो खास बात वो आप खुद बना सकते हैं अपने आप को खास दूसरों से ये चीज कर। अब एक टॉपिक और है करंट अफेयर का, जीए। इसका क्वेश्चन आपको कन्हैया सर डेली करवाते ही करवाते हैं, लेकिन रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है। तो इसका वीडियो तो दिन में 10:30 बजे आ ही रहा है डेली, ठीक है। लेकिन अब आपको शनिवार और संडे को रिवीजन क्लास मिलेगा, दो दो, आई होप, उम्मीद करते हैं दो दो क्लास आपको दिया जाएगा रिवीजन। अब आपको देखना है आपने कितना करंट अफेयर का वीडियो देखा है, कितना अपने आप को जांचा है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो शनिवार रविवार को दिया जाएगा और डेली का जो न्यूज है वो 10:30 बजे आता है। तो हर एक क्लास देखना जो जरूरी है कि करंट अफेयर से मान लीजिए 10 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, और इस 10 में जितने क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा सक्सेस की 98 पर ना, विश्वास मानिए 10 में आप 9 तो भाई मार कराओगे। सारे क्वेश्चन कन्हैया सर इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ठीक है, 10 में 9 क्वेश्चन। तो मैथ का 42 और 9 नंबर करंट अफेयर से 51 नंबर रेडी हो गया। जनरल साइंस से 30 नंबर था, वहां मानकर चलिए आप ज्यादा नहीं 25 नंबर, 25 जोड़ देते हैं 30 में तो कितना होगा, 76 हो जाएगा। अभी भी 10 नंबर बच गया, वो 10 नंबर भैया क्या आएगा, देखो 10 नंबर जो सामान्य ज्ञान है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सबका मिश्रण 10 नंबर आएगा,
सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन सिलेबस में क्लियर मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ अदर सब्जेक्ट। आप जाकर देखिए नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन है। तो जो जीके का क्लास है ना, जीके का जनरल नॉलेज का क्लास, डेली रात को 10:30 बजे अरविंद सर के द्वारा लेकर आया जाएगा और इन सब का पीडीएफ सक्सेस की 98.in पर दिया जाएगा। जब एक बार यह चीज कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपने देख लिया कि मेरा सिलेबस कंप्लीट। अब आपको सक्सेस की 98 के तरफ से 7 एएलपी का मॉक टेस्ट और ग्रुप डी का 7 टेस्ट दिया जाएगा साथ साथ। अब जब एक बार आप काबिल बन गए तो अब वो चीज लेकर, ये कब मिलेगा बता देंगे आप सब सभी को बहुत जल्दी। उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए फटाफट, आप लोग रेडी हो जाइए क्योंकि एक महीना का टाइम ही बचा है। अब मान लीजिए साथ साथ है, आपको दिया गया रहा है और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एएलपी वाले स्टूडेंट पहला स्पीड टेस्ट दिए, 75 में उनका नंबर कितना आया, 52, ठीक है। अब जाकर देखिए बाकी 23 क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया, क्यों हो गया, उसको उस समय सीख लीजिए सॉल्यूशन में जाकर। दूसरा बार स्पीड टेस्ट देंगे तो 60 आया, तीसरा बार फिर 55, चौथा बार फिर 60, पांचवा बार 63, 65, ऐसे करते करते 7 स्पीड टेस्ट में आपको जांचना है आप कहां तक पहुंच पा रहे हैं 75 में। उसी तरह ग्रुप डी का भी। तो स्पीड टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है, घर में बैठकर जो एग्जाम में माहौल है वहां टेंशन का माहौल होता है, तो वही माहौल को घर में कैसे बना पाए, आपको एक एक चीज बताया जाएगा। चैनल पर लॉन्च होते ही आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और हां, जो लॉन्च का डेट है आप याद रखिएगा, यह डेट 23 जुलाई को दिन में 10 बजे 10 AM आप सक्सेस की 98 के साथ जुड़ जाइएगा, आपको उस दिन बताया जाएगा कि करना कैसे है। 23 जुलाई, उम्मीद करते हैं 23 जुलाई 24 जुलाई से आप स्पीड टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। और हां, स्ट्रैटेजी को पानी की तरह मैंने बता दिया है पूरा सजाकर कि आपको करना क्या है एग्जाम से ठीक एक महीना पहले। अपने माइंड में खिचड़ी मत पकाने लगिएगा, ये वो ये पूरा स्टेट बताए हैं कि चलना कैसे है, और रास्ते में बताए हैं मुसीबत आएगा तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको करना है। तो वहां पर आपका कितना हुआ था, मैथ रीजनिंग मिलाकर 42 और 9 नंबर करेंट अफेयर, 25 नंबर वो 76, और जो जनरल साइंस का क्लास था वहां पर आप 9 मान लीजिए तो डाटा 85 तक पहुंच जाता है। आपको कम से कम इतना का तो रेडी कर चलना है एग्जाम से पहले, ठीक है। इस काबिल बनाना है कि चलो मेरा 80+ कम से कम हो रहा है, मैं एग्जाम में 80 नंबर का सही अटेम्प्ट कर तो आऊंगा, मैं इस काबिल बन गया हूं। तो अपने आप को पहले उस काबिल बनाना है एग्जाम से ठीक एक महीना पहले। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स करिए आप लोग, भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, इस टॉपिक का डाउट क्लियर नहीं है। लेकिन उससे पहले जाकर देखिए चैनल पर कि आपको टॉपिक करवाया गया है कि नहीं, वो टॉपिक देखिए, समझ में आ गया नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक देखने के बाद तो कमेंट्स करिए भैया टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। टाइमिंग मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, आप लोग एक बार नोट्स कर लीजिएगा। मैथ क्लास का टाइमिंग शाम को 7 बजे, जनरल साइंस का टाइमिंग जो है वो शाम को 5 बजे, जीके का जो टाइमिंग है वो रात को 10:30 बजे, और जो रीजनिंग का टाइमिंग है वो है आपका 9 बजे रात को, सब पीएम में होगा, ठीक है। अब आपका बस इतना काम है, अगर आप हम लोगों के मेहनत को देख पा रहे हैं, कुछ सीखे हैं, तो आपसे बस एक फेवर लेना चाहते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, उनके फेसबुक में व्हाट्सएप में बताइए, ठीक है। इतना तो कम से कम उम्मीद करते हैं जो भी मेरे जेन्युइन स्टूडेंट है जिनको सीखने को मिला है वो कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को दिल से धन्यवाद।